हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कल खरखोदा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हमने उस वीडियो की पड़ताल की और सच जानने की कोशिश की। आइए वो वीडियो आपको दिखाते हैं। वायरल वीडियो खरखोदा शहर का है। इस वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर बाल्मीकि खरखोदा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट की अपील करने गए थे, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याएं अपनी परेशानी कांग्रेस उम्मीदवार जयवीर बाल्मीकि के समक्ष रखी। कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर बाल्मीकि ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी जो भी जायज मांगे होंगी वो चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता से पूरी कराई जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी केवल एक विशेष समुदाय की पार्टी है। जब हमने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर बाल्मीकि से इस वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले चाहे वो किसी भी मजहब धर्म जात के हों, सभी समान हैं और कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय का समान रूप से सम्मान व आदर करती है। उन्होंने प्रतिद्वंदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है और बोखलात में ऐसे ओछे हथगंडे अपना रही है और आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और चुनाव में इनको वोट की चोट से जवाब देंगे। मुस्लिम समुदाय से मिले थे, उन्होंने सबसे मुद्दा उठाया कि कांग्रेस की पार्टी है, मुस्लिम समुदाय की है, आप क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस हमेशा हर धर्म की इज्जत की है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों की इज्जत करती है, सम्मान करती है और ये हमारी परंपरा भी रही है, हमारे देश की हो रही है। यहाँ अनेक भाषा होते हुए भी हम सब एक हैं, भारतवासी सब एक हैं, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। क्या मान लिया जाए सभी समुदाय के लोगों को मिलाकर चौथी बार विधायक बनने की तैयारी? देखिए, वो तो लोगों का विश्वास है, हम सब में जाते हैं, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म का संबंध रखते हो, हम एक समाज सेवक हैं, हमारा फर्ज बनता है सभी जातियों में सभी धर्मों में जाना और हम जाएंगे।